हाल ही में आई अजय देवगन स्टार है फिल्म गोलमाल अगेन बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। इस फिल्म में महज 4 दिन में 100 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और तो और इस फिल्म आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार को काफी पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ भारत ही नहीं कई और देशों में भी फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है और ओवरसीज ये फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। वहीं आज बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाले अजय देवगन बीते कुछ समय से बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनकी कुछ फिल्में तो इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि आपके लिए यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये सच है कि अजय देवगन ने लाइन से 10 से भी ज्यादा फ्लॉप फिल्में दी हैं। एक समय ऐसा था कि अपनी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट देखकर लगता था कि अजय देवगन का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन गोलमाल अगेन से अजय देवगन ने धमाकेदार वापसी की है। आगे जानने अजय देवगन की 10 बुरी तरह फ्लॉप हुई फिल्मों के बारे में।